सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है पोकेमोन गो स्पूफिंग के ऊपर। सो आज मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ जिससे कि पोकेमोन गो एकदम इजी वे में आप स्पूफ कर पाओगे। सो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है वूटेक का आईमूगो। ये वो सॉफ्टवेयर है। इसकी डाउनलोडिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। चलो सॉफ्टवेयर के ऊपर बढ़ते हैं। और एक बात गाइस, आपको अपना फ़ोन USB केबल के थ्रू PC को कनेक्ट करना है जिससे कि ये सॉफ्टवेयर वर्क करे और आपका गेम स्पूफ हो सके। यहाँ पे मेरा फ़ोन कनेक्ट हो चुका है और सॉफ्टवेयर ने डिटेक्ट भी कर लिया है। उसके बाद आपको गाइस कुछ इंस्ट्रक्शन बताएगा सॉफ्टवेयर, जिसको आपको फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेवलपर ऑप्शन में जाके USB डीबगिंग ऑन करना होगा। अगर आपके इसमें डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेटिंग में जाना है, उसके बाद अबाउट फोन, फिर आपका बिल्ट नंबर जो रहेगा उस पर कंटिन्यूसली टैप करना है जिससे कि आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाए, जैसे कि मेरा हो गया है। इसके बाद आपको जाना है डेवलपर ऑप्शन में, फिर वहाँ से USB डीबगिंग ऑप्शन को इनेबल करना होगा जैसे कि मैंने कर लिया है। फिर उसके बाद आपको आपका फ़ोन का जो मॉडल है वो शो करेगा। आप कंफर्म हो जाइएगा कि आपका फ़ोन अपने सॉफ्टवेयर से प्रॉपरली कनेक्ट हो चुका है। गाइज यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक सोशल और एक गेमिंग। अपने को अपना गेम स्पूफ करना है आप उन गेमिंग वाला ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद गाइज अगर आपके फ़ोन में ये गेम इंस्टॉल है तो ये सॉफ्टवेयर गेम को ओपन करेगा और रीड करेगा कि इसके कैपेबल वर्जन वाला है या नहीं। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर इस गेम को अनइंस्टॉल कर देगा। डरिएगा मत, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर उसके कैपेबल वर्जन वाला गेम डाउनलोड करेगा और आपके डिवाइस में इंस्टॉल कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे डिवाइस से ये गेम अनइंस्टॉल हो चुका है और सॉफ्टवेयर में शो कर रहा है कि इसके कैपेबल वर्जन वाला गेम इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ गाइस मेरा गेम इंस्टॉल हो चुका है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपका पोकेमोन गो अकाउंट FB से लिंक नहीं है तो मेक श्योर कि आप उसे FB से लिंक करिएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन ओनली FB लॉगिन ही सपोर्ट करता है, अदर लॉगिन एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे कि पोकेमोन गो ट्रेनर अकाउंट या गूगल लॉगिन एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपका पोकेमोन गो अकाउंट FB से लिंक नहीं है तो मेक श्योर कि आप उसे लिंक करिएगा, उसके बाद ही ये स्पूफिंग मेथड ट्राई करिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपना पोकेमोन गो अकाउंट FB से लिंक कर रहा हूँ और ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है और अपना गेम वर्क कर रहा है। अभी अपन अपने एप्लीकेशन के ऊपर चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर एक सर्च बार है, उसमें आप अपनी मनचाही लोकेशन सर्च कर सकते हो और जहाँ भी स्पूफ करना चाहे वहाँ स्पूफ कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेंटा मोनिका सर्च कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पोकी स्टॉप, पोकीमोन और रेड्स होते हैं, इसलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जिस लोकेशन पे मैं जाना चाहता था उस लोकेशन पे मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक पोकीमोन पकड़ के दिखाऊंगा जिससे कि आपको पता चले कि ये एप्लीकेशन वर्क करता है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा पोकेमोन सक्सेसफुली कैच हो चुका है। अभी मैं आपको एक पोकेस्टॉप स्पिन करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको 100% श्योरिटी हो जाए कि ये एप्लीकेशन वर्क कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन 100% जेन्युइन है और वर्क करता है। अभी अपन इस एप्लीकेशन के फीचर्स के ऊपर बढ़ते हैं। फर्स्ट फीचर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जॉयस्टिक वाला फीचर, जिससे कि आप अपने अवतार को इजीली मूव कर सकते हो यहाँ से वहाँ जॉयस्टिक के थ्रू, जैसे कि यहाँ मैं आपको आप करके दिखा रहा हूँ।
सो गाइज अभी अपन बढ़ते हैं अपने सेकंड फीचर के ऊपर जो कि है प्लान योर टूर। इस फीचर में आपको करना क्या है कि आपको एक स्पॉट से लेकर दूसरे स्पॉट तक एक रूट क्रिएट करना है जिसपे आपका जो प्लेयर है वो मूव कर सके। सिंपली आपको एक रूट क्रिएट करना है और स्टार्ट बटन को क्लिक कर देना है जिससे कि आपका जो प्लेयर है उस रूट पे मूव कर सके और उस रूट पे जितने भी पोकेस्टॉप और पोकेमोन है वो आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज अभी अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर के ऊपर। बेसिकली ये फीचर अपने प्रीवियस फीचर का अपग्रेडेड वर्जन है। प्रीवियस फीचर में अपने को सिर्फ सिंगल स्पॉट मूवमेंट मिल रहा था, इस फीचर में आपको मल्टी स्पॉट मूवमेंट मिल रहा है जिससे कि आपको मल्टीपल रूट्स क्रिएट करके उस पर मूव कर सकते हो। एंड हाँ गाइज और एक बात मैं इस फीचर के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि एग्स हैचिंग के लिए बहुत टाइम लगता है, थैंक्स टू दिस सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ एग्स हैचिंग के लिए रखना है और एक रूट क्रिएट करना है और स्टार्ट कर देना है, आपके एग्स इजीली हैच हो जाएंगे। सो गाइस मुझे तो पर्सनली ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा लगा है, अगर आपको भी ये सॉफ्टवेयर यूजफुल लग रहा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस सॉफ्टवेयर की लिंक दी है चाहे डाउनलोड करिएगा, और अगर आपका कोई फ्रेंड भी पोकेमोन खेलता होगा तो उसे भी इस वीडियो की लिंक शेयर करिएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बाय बाय।